मध्य प्रदेश के देवास जिले के भोरासा में शनिवार की शाम को लोधी समाज की 16 वर्ष की लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में विवाद हो गया था। इसी में लड़के के पिता की जान चली गई। शनिवार को मृतक के परिजनों व समाजजनों ने शव को थाने के सामने रखकर काफी देर तक हंगामा किया। इनकी मांग थी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इस घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी जगदीश ढाबरा, डीएसपी किरण शर्मा सोनकच, एसडीओपी कुलवंत सिंह, तहसीलदार गोपाल पटेल सोनकच, पीपल रावा नाहर दरवाजा, बीएनपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। आक्रोशित भीड़ को शांत करवाकर पुलिस के साए में मृतक का अंतिम संस्कार हुआ। समाज के लोग, क्या है पूरा मामला और पुलिस द्वारा तक क्या कार्रवाई की गई? ये मामला इस प्रकार है कि कल शाम को करीब 4:30 बजे के लगभग मृतक रमेश अपने ही पड़ोसी संजू के लड़के रोहित को लेकर के आया था मोटरसाइकिल से, और उसने बताया था कि इसने मेरी बच्ची को कोई लेटर लिखा है, और इनका थोड़ा सा इनका जो विवाद था, तो इस पर से जो भी यहाँ पे हमारे थानेदार बैठे हुए थे, एसएम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप या तो बच्ची को ले आइए या फिर आप कंप्लेंट लिखा दीजिए। इसी दौरान संजय भी यहाँ पर आ गए थे और भी 2-4 लोग आ गए थे, तो इन लोगों ने आपस में फिर बाहर ही बाहर कंप्रोमाइज़ कर लिया। इनका कहना था कि हमारा जो है आपस में राखी धागा भी है, साथ में बच्ची है तो उसकी बदनामी का एक मैटर बनेगा, तो इसलिए इन्होंने खुद ही कंप्रोमाइज़ कर लिया, खुद ही कंप्रोमाइज करके ले गए और यहाँ से चले गए। इसके बाद में शाम को जो जानकारी मिली कि वो जो मृतक था वो संस्कार हॉस्पिटल में ख़त्म हो गए। सर, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मृतक के साथ मारपीट हुई थी और पुलिस ने भी उसके साथ अद्भुत में व्यवहार करा था, ऐसा कुछ? ये सरासर गलत है और इस पर मर्द कायम हुआ है कोतवाली में, हमने उनको बताया भी था, और एक टीम के द्वारा इसका पीएम कराया गया है, एफएसएल अधिकारी भी आ गए थे। अब इसमें पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात जैसी भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। इनको भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको जो भी बोलना है आप अपने हिसाब से अपना पक्ष रख सकते हैं, हम पूरी उसमें निष्पक्ष जाँच करेंगे और जाँच में जो भी परिणाम आएगा उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाया जाता निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।